हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम नीम के पेड़ से निम्बोली की बीज निकाल रहे हैं। आपको बताएंगे किस प्रकार से हमने बीज निकाला है। यहाँ हम तोड़ने के बजाय हम नीचे जो गिरता है बीज उसको हम लेते हैं, बीनते हैं। पूरे वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार हमने नीम के बीज को इकट्ठा किया है, छनाई की जा रही है, और पूरा वीडियो हम दिखाएंगे कि कैसे नीम के बीजों को एकत्रित किया जाता है। आप देख रहे हैं सभी बीज हमने एकत्र किया है, इसमें अभी छटाई बाकी है। अभी इसमें डंकल है, पत्थर है वगैरह है, जो भी अवशिष्ट मिट्टी में पड़े रहते हैं जैसे पत्थर है, इनको छनाई की जाएगी, इसको सुखाया जाएगा, इसको साफ किया जाएगा। सूखने के बाद इसमें से जितने भी हम कंकड़ पत्थर या फिर लकड़ी छोटे मोटे जो भी है निकाले जाएंगे। आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम इनको साफ कर रहे हैं बीजों को। यह बहुत अच्छी तरीका है कि हवा के माध्यम से पतले जो हवा में उड़ने वाले अवशेष होते हैं वो मिट्टी में उड़ जाते हैं, वो बिल्कुल नीम खली स्वच्छ और साफ बचती है। इसमें अभी छटाई बाकी है क्योंकि सूखने के बाद ही नीम खली पूरी तरह से क्लियर दिखेगी। यह नीम के पेड़ से निकलने वाला बीज है जो हम अपने खेतों में उपयोग करते हैं, खासकर अफीम की फसल में हमारे इधर के किसान उपयोग करते हैं। लहसुन प्याज में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको ग्राइंडर में पीस कर आप इसका उपयोग मिट्टी में कर सकते हैं, फसल में कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा खाद होता है, कीटाणुओं का नाशक करता है, कीटाणुओं को मारता है। देख रहे हैं ये किस प्रकार से हम छटाई चल रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक जानकारी दीजिए। दोस्तों क्या आप भी अपनी फसलों में नीम खली का उपयोग करते हैं? दोस्तों क्या आप जैविक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि नीम के बीज और नीम की पत्तियों के माध्यम से हम जैविक कीटनाशक भी बना सकते हैं। हम आगे इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से हमने नीम के बीजों की छटाई की, तथा ये पूरा वीडियो हम एक और बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारी देंगे। एक वीडियो हम ये भी बनाएंगे कि नीम के बीज तथा नीम की पत्तियों से किस प्रकार से कीटनाशक हम बनाया जा सकता है। दोस्तों नीम की खली हमारे खेत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं तो निवेदन करूँगा आपसे कि आप नीम की खली का उपयोग अपनी फसलों में करें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे खेती संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।